तरफ गुगलू जी हमारे अनुभवी अंकित जी के साथ बैठे हैं, कुछ बारीकियां सीख रहे हैं यहाँ पे अंकित जी से। और अच्छा शॉट, उछले और अंक अर्जित किया। बता दे रोमांच अपने चरम पे है, ये महत्वपूर्ण मुकाबला। अच्छा काटा लेकिन अतिरिक्त काटा, एंगल कुछ ज्यादा ही काट के अमन जी, लेकिन फिर भी अंक बटोरने में सफल रहे अपनी टीम के लिए। दो बराबर, अच्छी जजमेंट। आखिरी दो, साहिल जिस तरह का रुतबा है इनका और जहां से ये संबंध रखते हैं जिस टीम से, उस मुताबिक के शॉट नहीं था। स्कोर हो गया है 4-2। शॉट बॉल और जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए इन्होंने। और तीन चार, एक बार फिर उछले और ब्लॉक किया जरूर, लेकिन स्टिल ब्लॉक। स्कोर हो गया है और फिर सर्विस के साथ 6 नंबर के चर्सी में, लेकिन नेट नहीं भेद पर। अच्छा शॉट लेकिन बेहतरीन डिफेंस पंक्ति के द्वारा, और अमन ने चतुराई दिखानी चाहिए लेकिन उतनी नहीं उछले। अच्छा शॉट, अच्छी रैली टीम के बीच में, और अमन खत्म करने की कोशिश करी और करी उन्होंने। 5-5 5-5 फुटबॉल के गोलकीपर की तरह डाइव किया इन्होंने। अच्छा उठाया हाँ, लेकिन अच्छी वापसी करी है किसी हद तक बर्थी की टीम ने। लीड के ऊपर है इस, अच्छा शॉट इसका जवाब नहीं था इनके पास। कौन सा हमारे आयोजकों का फेवरेट प्लेयर है मंजूर, 6 नंबर की जर्सी में जो खेल रहे हैं, ये जो लड़का है इतनी पावर जनरेट करते हैं कि गे अपना पाला छोड़ के दूसरे पाले में पहुंच जाते हैं। अच्छी सर्विस, कवर किया और अच्छा थर्ड लाइन खिलाया अपन के पास बॉल, सारे प्लेयर, अच्छा ब्लॉक, बहुत अच्छी, बिल्कुल चौकन्ने हैं। बॉल बना है एक बार फिर मंजोत, एक बार फिर से अमार शॉट के साथ, अच्छा ब्लॉक और अंक अर्जित किया। मंजोत 6 नंबर की जर्सी में सर्विस के साथ तैयार, अच्छा ब्लॉक, चतुराई दिखाई लेकिन काम नहीं आई। अच्छा डिफेंस, बॉल बना है, उछले है, मारा भी है लेकिन डिफेंस भी उतना ही अच्छा। अमन एक बार फिर, अमन का भी जवाब नहीं ढूंढ पाई इस बार लुधियाना की टीम। 7, दूसरा सेट, जैसे कि कुछ देर पहले हमारे इंडियन रुपीज और $250 उन्हें इस ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए लोगों की तरफ से मिले हैं, तो हमारा गांव भी इसमें अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
ऐसा मौका नहीं होगा जब टूर्नामेंट आयोजन किया गया है टूर्नामेंट का इस तरह से हम किसी से भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आयोजकों के साथ अच्छा शॉट फुल डाइव मंजू ब्लॉक और 16 नंबर की जर्सी जमीन पे 11-9 अच्छी सर्विस अच्छा रसीद बॉल बना है एक बार फिर उछले हैं और अच्छा डिफेंस पंकी एक बार फिर से बॉल पीछे ही दिया राउंड आर्म स्पाइक और चतुराई दिखाई अच्छा बहुत अच्छा इस खिलाड़ी ने पिछले 2 अंक अपनी टीम के लिए बचाए हैं और एक बार फिर बहुत ही चौकन्ने इसी के लिए एक बार लेकिन इस खिलाड़ी का तोड़ नहीं ढूंढ पाई ये टीम अच्छी कोशिश की 16 नंबर के खिलाड़ी स्पार्टन अंक हो गए 12-9 अब अभी भी लीड पे है बहस बहस वी विल नॉट वेलकम एनी बहस मेरी बर्थी के जो सीनियर प्लेयर हैं पंकज जी हबीब जी सबसे प्रार्थना है कि रेफरी को इन्फ्लुएंस ना करें स्कोर योर गेम एंड शो योर गेम टू एवरीबॉडी एक बार फिर से अच्छा जाते जाते हाथ लगा दी रहे तो अंक चला जाता है यहाँ पे बहुत अच्छा डिफेंस अमान तैयार लेकिन 16 नंबर की जर्सी मंजूर की ताकत अपील जरूर है लेकिन एंटरटेन नहीं किया जाएगा अपील को 13-10 अच्छा एक बार फिर उछले लेकिन ब्लॉक किया इस बार 14-10 बना के खेलो ए शाबाश बना बना गेम बना के खेलो ऑलरेडी हमारे बीच आ चुके हैं हमने पहले एक प्रार्थना लगाई थी कि इस ग्राउंड की मेंटेनेंस साल में 2-3 बार होनी चाहिए और हमारे पंच साहब को भी हमने बोला है प्रधान जी जी यहाँ पे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि ये मनरेगा स्कीम के अंदर जो इस ग्राउंड की मेंटेनेंस साल में 2-3 बार जो है वो करवाई जाए ताकि हमें तो मनरेगा के स्कीम के अंदर जो है वो हम इस मैच के बाद जो बात जरूर करेंगे कि क्या कोई रुकावट है या क्या कोई हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे इसको ये दूसरा सेट जीतना अत्यंत महत्वपूर्ण अपने रुतबे को भी और अपने सफर को भी जारी रखने के लिए ओहो यही वो हेडशॉट है लेकिन अंक बचा लिया अपनी टीम को इनका हेडशॉट काम आ गया 14-15 और फिर सर्विस के साथ 16 नंबर की जर्सी में और अच्छी सर्विस अच्छा सप्लाई लबा पंकी का अच्छा कवर साहिल अमन और ये इस टूर्नामेंट का बेस्ट शॉट बॉल जो वो मारा है इसके लिए सारे जो रिप्ले की सुविधा होती तो जरूर बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं इसे रिकॉर्ड हो रहा है ये सारा फेसबुक पे जाएगा हमारे राइट साइड पे भाई जो पूरा टूर्नामेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो मैच मिस भी करेगा इंडिया में या ओवरसीज वो हम सीडीज भी 100 करोड़ रुपए में लॉन्च कर सकते हैं जो ग्राउंड की मेंटेनेंस में यूज किया जा सकता है बहुत अच्छा आइडिया है ये क्या बैठ 18-15
एक बार फिर सर्विस के साथ अच्छा रिसीव बॉल, शॉट प्रहार। यही आपको करना है, आप खेल के साथ जवाब दीजिए अपने आप को भी और रेफरी को भी। 16-18 दोनों ही टीमें अव्वल दर्जे की और उस दर्जे के मुताबिक खेलते भी। रेफरी बिल्कुल चौकन्ने इस बार रेफरी ने अपना निर्णय लिया और बिल्कुल जिस एग्रेशन के साथ खिलाड़ी खेल रहे हैं उसी एग्रेशन के साथ रेफरी भी खेल रहे हैं। रेफरी बिल्कुल चौकन्ने थे इस बार। और लाइनमैन हमारे आप आगे आ जाए जगराज जी। जगराज जी आप अपनी चेयर आगे ले आए, थोड़ा हाई ऑक्टेन लाइन के पास बैठे, थोड़ा आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, खाली देखना इन्हें की आउट है। ठीक है आज देता फाइनल है। चंद्रपाल जी आप थोड़ा स्कोरर के पास आए और लेफ्ट साइड में लाइन के लेफ्ट साइड पे एकदम लेफ्ट साइड पे दूसरी साइड हेलो बहुत ही ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक, 21-21 बराबर, बहुत अच्छी वापसी, अच्छी सर्विस और अच्छा शॉट बॉल मारा। 22-21 अच्छी सर्विस बॉल प्रहार भी अच्छा पंजाब और अंक हो गए हैं 22-22। दर्शक भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्कोर बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं हर एक दर्शक यहाँ पे। सभी चाहते हैं कि मैच तीसरे सेट के लिए जाए, लेकिन उसके लिए बर्थी का जीतना जरूरी। अच्छा डिफेंस, एक बार फिर से आखिरी समय पे हाथ लगाया, राइट बॉल। अगर लुधियाना की टीम बर्थी को हरा देती है तो चैंपियन टीम यहीं से अपना बैग पैक और अभी तक को भी छोड़ी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जजमेंट रेफरी की, बिल्कुल रेफरी भी एग्रेसिव होके 23-23। ये जो बैठी के टीम है ये थोड़ा सा लाइन के बाहर बैठे, तो आप ही का बंदा यहां से अभी बॉल उठा लेता, अंक बच जाता आपके टीम के लिए। मैच पॉइंट गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना और प्रहार जबरदस्त, लेकिन एक बार फिर से उठाया है, अच्छा शॉट, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे बैठी वाले भी।